हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल इनक्रेडिबल भाई में। तो आज हम सीखेंगे कि लूप क्या होता है और लूप में आप लूप को कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में, और लूप कैसे चलता है, क्या होता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, लूप आज हम यूज़ करेंगे फॉर लूप को। तो पाइथन में सिंपली दो लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है वाइल लूप। तो आज हम बात करेंगे वो है फॉर लूप के बारे। तो फॉर लूप एक की सिंपल लूप है। आप तो सबसे पहले इस लूप से आप क्या समझते हैं कि लूप क्या होगा? जो घूमता रहता है, मतलब जब तक आप उसे चलाना चाहेंगे तब तक तो वो घूमता रहेगा। तो आज हम सबसे पहले जान कर देते हैं सिंपल कोड फॉर लूप के लिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर लूप को कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में। तो हम देख लेते हैं, फॉर लिखेंगे, उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल छाट लेंगे आई, जैसे मैंने लिया है। उसके बाद इन, एक रेंज के अंदर, रेंज आप जानते हैं कि कोई भी हम रेंज ले लेंगे वन से या कहीं तक भी। तो मैंने लिया है 1 से 6 तक। तो रेंज आप जानते होंगे, 1 से 6 तक लेंगे तो वो कहाँ तक रन करेगा? 1 से 5 तक रन करेगा, क्योंकि वो लास्ट वाला इंडेक्स जो होता है उसे नहीं लेता है। दे आप इसमें इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखें कि इंडेंटेशन कितना है यहाँ पर। तो फॉर लूप के बाद आपका लास्ट में कॉलोन जरूर लगेगा, उसके बाद इंडेंटेशन आएगा। इंडेंटेशन मतलब एक टैब जो होता है। उसके बाद आपका देखिए, जैसे मैंने एंटर हिट करा, ये आपको दिख रहा है कि ये 6 की जगह 5 तक रन हुआ। क्यों? मैंने बताया था कि यहाँ पर ये एक इंडेक्स छोड़ देता है और 5 तक रन होगा, 1 से 5 तक, जहाँ तक आप रन इसे करना चाहेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया, रेंज रेंज फॉर लूप के अंदर यूज़ होता है। और ये रेंज तो आप जानते होंगे, रेंज किसी भी डिसाइडेड फॉर इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट तक आपको कोई भी वैल्यू रन करनी हो तो उसे यूज़ करते हैं। तो मैंने देखिए, सिंटेक्स आपको दिख रहा है फॉर लूप के लिए, फॉर आई इन रेंज, उसके बाद अपर लिमिट आपको लिखनी है उसमें, और उसके बाद लोअर लिमिट +1, मतलब लोअर लिमिट जो आपको लास्ट लिमिट होती है उससे +1 कर देना है। और उसके बाद स्टेप, स्टेप मीन्स जो आप छोड़ छोड़ के करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट में स्टेप लिख दिया 2, तो वो 2 छोड़ छोड़ के उसे रन करेगा। मतलब जैसे मैंने लिख दिया 1 से 10 तक, तो उसे वो जैसे 1 के बाद उसने एक और छोड़ दिया तो 3 प्रिंट करेगा ऐसी। तो हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं एक। तो मैंने लिख दिया जैसे फॉर आई इन रेंज, उसके बाद मैंने इसमें कुछ भी कोई भी इंडेक्स ले लिए, उसके बाद एक स्टेप ले लिया। तो मैंने स्टेप लिया है 2, उसके बाद कॉलोन आप याद रखें, कॉलोन जरूर लगाएं, उसके बाद इंडेंटेशन, उसके बाद प्रिंट जो हम करेंगे आई को, आई जो हमने वेरिएबल लिया था। देख सकते हैं आप इसमें इसने स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप छोड़ा है। क्यों? आपने इसे 2 स्टेप छोड़ने के लिए कहा था तो इसने एक एक स्टेप छोड़ दिया बीच में। तो उसके बाद देख सकते हैं, 1 के बाद आप 1 में 2+ करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2+ करेंगे तो 5 आएगा। सिंपली आप देख सकते हैं इसमें आंसर आ गया है, जैसे मैंने एंटर हिट करा। उसके बाद आप, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, उसके बाद हम उल्टा कैसे रखें, रिवर्स में कैसे प्रिंट करें। तो हम 20 से 1 तक लेंगे उल्टा, जिससे ये उल्टा रिवर्स में प्रिंट होगा। तो सॉरी, मैंने कॉलोन नहीं डाला इसलिए वो गलत हो गया। तो मैं फिर से ले लेता हूँ और कॉलोन डालता हूँ, उसके बाद प्रिंट और आई को हम प्रिंट कर देंगे, लेकिन ये आया नहीं, बताइए क्यों? अब आप देख रहे होंगे ये नहीं आया, क्योंकि आपने लास्ट में जो स्टेप होता है आपको रिवर्स में प्रिंट करने के लिए, उसमें स्टेप जो होता है उसमें आपको -1 लगाना पड़ता है। आप अगर उसे नहीं लगाएंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा। इसलिए देखिए, मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, उसके बाद मैंने लिखा 20, 1 कॉमा, और स्टेप में लिख दूंगा -1, और इसके बाद ये रन हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा आई को, सॉरी प्रिंट आई।
तो जैसे ही मैं हिट एंटर करूँगा दो बार, ये देखिए आप, तो ये रिवर्स में प्रिंट हो गया। तो इसका ध्यान जरूर रखें कि स्टेप में -1 जरूर डालें अगर आपको रिवर्स में प्रिंट करना है, नहीं तो ये रिवर्स में प्रिंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये हो गया। हम रिवर्स में भी स्टेप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने -1 लिखा, वैसे हम -2 लिखेंगे तो रिवर्स में स्टेप यूज़ करेगा। तो हम देख सकते हैं, मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, 20, और जैसे कि मैं 1 तक लूँगा और उसके बाद कॉमा -2। तो हम जैसे -2 लिखा और प्रिंट हम आई करेंगे, तो ये दो दो स्टेप छोड़ देगा और आपको रिवर्स में, जैसे 2 की टेबल समझ लीजिए, 2 की टेबल आ जाएगी, वो भी रिवर्स में, क्योंकि इसने दो दो आपके छोड़ दिए। अब आप देख सकते हैं, अब हम एक देखिए कि दो स्टेप हमने छोड़ने के लिए कहा था, तो उसने दो दो स्टेप छोड़े। और रेंज आप देख सकते हैं, मैंने 20 से 1 तक ली थी तो वो -2 तक ही प्रिंट होगी, 1 लास्ट का वो प्रिंट नहीं करेगा, लास्ट का वो प्रिंट नहीं करता है, वो एक कम लेता है इंडेक्स में। तो हम एक और एग्जांपल लेंगे, फॉर आई इन रेंज, उसके बाद हम रेंज के अंदर लिखते हैं 5। अब आप देखिए क्या आंसर आएगा अगर हम इसे आई को प्रिंट करें। तो अब हमने आई प्रिंट करा, जैसे हम एंटर करेंगे तो आपको सोचिए क्या आंसर आना चाहिए। तो मैं एंटर करता हूँ जैसे, तो ये 0 से 4 तक प्रिंट हुआ। क्यों? आपने इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं दिया था 5 से, तो इसलिए वो अपने आप ही 0 से 4 तक प्रिंट हो गया, और 5 से 1 कम माइनस में, इसलिए 4 तक वो रन हुआ। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, अब हम यहाँ लिखेंगे -5। तो आप सोचिए क्या आएगा अगर हम -5 लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा? और हम प्रिंट करेंगे आई, अब क्या आएगा? अब कुछ भी नहीं आएगा, बताइए क्यों? जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आपको रिवर्स में कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी होती है तो उसमें आपको स्टेप जरूर लिखना होता है -1। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें -1 लिखना पड़ेगा कॉमा करके, अगर हमें रिवर्स में स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो, वो सॉरी स्ट्रिंग नहीं, कुछ भी अगर प्रिंट करना है तो आपको माइनस में जरूर लिखना है, लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो स्टेप में हम लिखेंगे -1 लिख देंगे, अभी भी आपका कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्टेप की जगह उसमें लिखा। अब देखिए जैसे ही मैंने स्टेप में लिखा -1, वो प्रिंट हो गया 1 से 4 तक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोस एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।